तो इंडिया में बिजनेसेस ऑनलाइन ग्रो क्यों नहीं कर रहे या कर रहे हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरुशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। देखो, सिंपल सा फैक्ट है, इनका कुछ सिस्टमैटिक वे में नहीं हो रहा या ये वैल्यू नहीं करते उन चीज़ों को। कैसे, इस तीन पॉइंट्स में डिफाइन करता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये अपनी ऑडियंस की वैल्यू नहीं करते। वैल्यू इन द सेंस, यूज़र एक्सपीरियंस नाम का तो मतलब इनको कोई लेना देना ही नहीं होता उससे। होता क्या है, जब आप कोई साइट बनाते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, ये जब ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं तो ये ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सारा यूज़र एक्सपीरियंस इतना ग्रेट नहीं कर सकते, कॉस्ट लगती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बट कुछ से या मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस क्या करते हैं, ऑनलाइन जाने के बाद वो वैल्यू ही नहीं करते। आप उन्हें कहोगे कि सिंपल से, जैसे कि एक कॉल टू एक्शन अच्छा लगा लो, है ना, ज़्यादा तड़कीली भड़कीली चीज़ें मत लगाओ, एक जो फॉर्म फिल करता है सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं। अगर कोई कॉन्टैक्ट अस पे जाके फॉर्म फिल करता है आपका, उसके सेक्शंस इतने सारे मैंडेटरी मत रखो, इतने सारे मत रखो, है ना, मतलब चीज़ें उसके लिए इजी बनाओ। अगर वो ईमेल टाइप कर रहा है तो साथ में @gmail.com या hotmail.com अपने आप आए, ताकि उसे पूरा मेल ना लिखना पड़े। मतलब ऐसी चीज़ें जो उसको एक्सपीरियंस उसका अच्छा करें, आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए ईज़ करें, मतलब उसे। अगर ये चीज़ें आप उनसे बात करते हो ना, तो वो कहते हैं कि अरे जिसे लेना होगा ले लेंगे, इतनी कोई वो नहीं है, इतना कौन ध्यान देता भाई। तो ये चीज़ें उन्हें नहीं पता, साइकोलॉजिकली कन्वर्जन रेट को गिरा देती हैं, तो वो अपनी ऑडियंस की उतनी वैल्यू नहीं करते। दूसरी चीज़ है नो प्लान ऑफ एक्शन। अब नो प्लान ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई अचीव करना है गोल कंपनी ने या किसी भी स्टार्टअप ने, और एक ऑडियंस डिफाइन कर रखी है कि हमें इस तरह के बंदे चाहिए और इतने टाइम में इतने चाहिए, और या इतनी कन्वर्जेंस चाहिए हमें अपने बिजनेस के लिए, इतनी लीड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए एक गोल डिफाइन करने के साथ साथ आपको क्या करना होता है भाई, एक प्लान ऑफ एक्शन चाहिए होता है कि इतने दिन में हम इतना काम करेंगे, इस दिन हम ये काम करेंगे, करते करते ऐसे। तो कुछ बंदे क्या होते हैं इन स्टार्टअप्स में या प्राइवेट कंपनीज में, आप जैसे भी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे ना, ये उसको फॉलो ही नहीं करते, या तो चेंजेस करते रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं अरे इसमें पाँच दस दिन भी नहीं देखेंगे और कहेंगे चेंजेस कर दो। अगर SEO है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, SEO वाले तो कलप जाते हैं कि भाई 5-10 दिन आपने देखा नहीं और कहते हो अरे काम नहीं कर रही है, चीज़ चेंज कर दो। और अगर ज़्यादातर में क्या होता है, कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं होता कि आप वही बस जाते, जैसे ही आप इंटरव्यू ले दोगे और आपका सिलेक्शन होगा, बोलेंगे बस ऑफ पेज करने लग जाओ, ऑन पेज करने लग जाओ, बस यही चीज़ का कुछ नहीं पता। और चीज़ें भी होती हैं, फनल बनाने होते हैं, टेक्निकल SEO होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें सिंपली ये चाहिए कि ये चीज़ और ये चीज़ करते रहो यार, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं। और अगर आप बना के दोगे तो उसमें चेंजेस करेंगे, 5-10 दिन में एडिटिंग बोलेंगे ये चीज़ ऐसे नहीं, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये कर दो, मतलब काफ़ी इशूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ है मल्टीटास्किंग। अगर एक SEO एक्सपर्ट आज के टाइम में हायर होता है, या डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया भी, तो उसका नाम बस डेजिग्नेशन के लिए बोल देते हैं कि जैसे एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हायर हुआ है, तो वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। अब उसे क्या होगा, उसका एक तो SMO करना, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना, एक दूसरे से लिंकिंग करना सोशल प्लेटफॉर्म की, साथ ही साथ उसकी एड्स देखना, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसमें ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं। तो मतलब दोनों चीज़ें उसकी हो गई। अब उसे अगर बोला जाए तो ईमेल मार्केटिंग भी कर, ठीक है, सोशल मीडिया के साथ ईमेल मार्केटिंग भी कर देता है। अब उसको बोला जाए SEO भी कर, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर, तो उसका नाम सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है, बट एक्चुअली उसे सारा कुछ दे दिया जाता है, मल्टीटास्किंग किया जाता है। अब SEO में अगर कंटेंट राइटिंग करनी पड़ रही है तो उसे बोलेंगे कंटेंट राइटिंग भी कर। अब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके ग्राफिक्स डालने हैं, वो पोस्ट करने हैं, तो बोलेंगे कि ग्राफिक्स भी बना। और अगर वो कहेंगे कैनवा से नहीं आता, तो जाके फोटोशॉप से बना, हमें नहीं पता, क्वालिटेटिव होने चाहिए। यानी एक बंदे पे इतना बर्डन डाल के उसे कह रहे हो तुम रिजल्ट ला के दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ये प्राइवेट कंपनीज के इश्यूज हैं, जो मैंने खुद जाके भी फेस किए हैं, मैंने खुद जॉब की हुई है, कम से कम 7-8 जॉब्स की हैं, तो मुझे पता है कि ये सबका ये हाल है। तो स्टार्टअप्स का तो बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टार्टअप्स में मल्टीटास्किंग होना एक नॉर्मल सी बात है, होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतनी कॉस्ट नहीं कर सकते कि भाई एक बियर नहीं कर सकते इतनी कॉस्ट की, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर कर रहे हो, कंटेंट राइटर को भी 20-25 हज़ार दे रहे हो, 30 हज़ार दे रहे हो, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को भी 25-30-35 हज़ार दे रहे हो, मतलब 1 लाख रुपए सीधा आप एक टीम को दे रहे हो, वेब टीम को, एक वेब डेवलपर भी हायर हुआ है, उसके बाद जो आपकी कंपनी में दूसरे मतलब बंदे हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी देना, तो स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा बजट इशू हो जाता है। बट भैया
अगर आप डिजिटल मार्केटर को बोलोगे कि कंटेंट राइटिंग भी कर, ग्राफिक्स भी बना, मार्केटिंग भी कर, फनल भी बना, स्ट्रेटजी बना, एड्स भी चला, पीपीसी भी कर, ईमेल मार्केटिंग भी कर, एफिलेट मार्केटिंग भी कर, तो उसके लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। और 1 महीने में आप उसको बाद उसको बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहे भाई, तो वो कोई भी नहीं ला सकता। तो एक चीज़ मास्टरी करके वो एक चीज़ पकड़ सकता है। तो डिसाइड करना पड़ता है कंपनीज को, करना चाहिए स्टार्टअप्स को भी। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर रहे हो तो उससे एक स्पेसिफिक फील्ड में ही एक्सपेक्टेशन रखो और उसे ही उसमें ही काम करने दो। अगर आपने सोशल मीडिया के लिए हायर किया तो लेट इट बी, मतलब सोशल मीडिया के लिए ही करने दो ना, छोड़ दो उसे। सोशल मीडिया के बाहर क्यों घुसा रहे हो उसको? सोशल मीडिया अगर नहीं करना चाहते, सिर्फ SEO के लिए कर रहे हो तो SEO करने दो उसे। कंटेंट राइटिंग करने दे रहे हो, ठीक है, कंटेंट राइटिंग SEO दोनों साथ में चल रही है, ठीक है। अब आप उसे कह रहे हो सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स भी बना, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग करके दोबारा उन लोगों को भी ला, तो नहीं होता भाई। इतना ज़्यादा अगर आप एक बंदे पे प्रेशर डालोगे और उसे कहोगे सारे, तो क्वालिटी गिर जाएगी। कर तो लेगा, बहुत बंदे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, करने वाले कर देते हैं, बट बात है कि क्वालिटी गिर जाती है। फिर आपको ज़्यादा मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है। फिर आप 1-2 महीने में रिजल्ट भी चाहते हो और चाहते हो एक ही बंदा सब कुछ कर दे, तो फिर नहीं होता। तो ये कंपनीज के इश्यूज होते हैं, इसलिए इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस ग्रो नहीं करते। या जो छोटे बिजनेस हैं जैसे शॉप्स वगैरह होती हैं किसी भी चीज़ की, तो वो अगर सोचते हैं हम अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करें और एक डिजिटल मार्केटर हायर करने की सोचते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि भाई इतना कुछ भी होता है, हम एक बंदे के ऊपर सारी मतलब बोझा नहीं डाल सकते कि तू गधे की तरह सब कुछ खींच, तो उसके बाद उससे क्वालिटी भी एक्सपेक्ट करें। तो ये थे 3 इश्यूज़ जो हर कंपनी या स्टार्टअप इस टाइम इंडिया में फेस करता है, और गलतियां यही वाली करता भी है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हायर कर रहे हो एक बिजनेस के तौर पर, तो ध्यान रखो कि ये गलतियाँ आप ना करो, और डिजिटल मार्केटर से एक्सपेक्टेशन रखो, बिल्कुल रखो, बट एक स्पेसिफिक फील्ड में या 2 स्पेसिफिक फील्ड में। बट आप 10-10 स्पेसिफिक फील्ड्स में चाहते हो 1 ही महीने में वो रिजल्ट ला के दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको और इनडेप्थ टेक्स्ट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए, तो आप मेरी edmfeed.com पर जाके देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली कंटेंट आपके इनबॉक्स में आ जाए, मेल बॉक्स में आ जाए, तो हम मेरे इजी डिजिटल मार्केटिंग 500, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना ईमेल एड्रेस मुझे मैसेज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप मेरी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाओगे, और जब भी मैं कोई नया कंटेंट पीस, चाहे वीडियो या आर्टिकल, अपनी साइट या यूट्यूब चैनल पर ऐड करूंगा, तो वो आप डायरेक्टली इनबॉक्स में आ जाएगा। साथ ही अगर आप अपना बिजनेस या ब्रांड ग्रो करना चाहते हो और एक कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, चाहे SEO या सोशल मीडिया के लिए, तो आप मेरी edmfeed पे जाके गेट कंसल्टेशन का बटन दबा के 30 मिनट या 15 मिनट्स की कॉल बुक कर सकते हो और मेरी कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हो। साथ ही आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे भी अप्रोच कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड बात कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले टाइम में मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका कैरियर एनहेंस करने में मदद करेगी, साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।